आज व्लॉग काफ़ी देर में शुरू कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ यार कि आज थोड़ा सा बहुत ही काम था, बहुत काम का मतलब है एक डॉक्यूमेंट बनाना था, उसी में बिज़ी हो रखे थे। कल से बेसिकली उस पर काम कर रहे हैं ना, और अब जाके ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर आया है। चलो जो भी है कोई बात नहीं, व्लॉग थोड़ा सा अगर देर से रेडी होता भी है तो भी चलेगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में देर नहीं होनी चाहिए ना। तो बेसिकली अभी मैं जा रहा हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए, 4 बजे ना मुझे रिलीज़ करना है व्लॉग को। तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर अच्छा नेटवर्क रहता है। तो अच्छा नेटवर्क कहाँ पर रहता है? पांग की तरफ में। तो जाऊँगा फटाफट से अपलोड करके आऊँगा, और उसके बाद में सोच रहे हैं कि पिनानी गाँव की तरफ जाएँ, तो आज उस तरफ में भी थोड़ा बहुत आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन अभी को चलते हैं अपने ओपन एरिया ऑफिस की तरफ, ठीक है, वहाँ पर बैठेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा काम करते हैं। तो अभी वहाँ पर मैंने अपना फ़ोन रखा है और वीडियो अपलोड भी हो रही है साथ ही साथ, तो बस 2-3 मिनट और लगेंगे और वीडियो अपनी पूरी की पूरी अपलोड हो जाएगी। 3 मिनट और बचे हैं बेसिकली, तो वीडियो अपलोड होने ही वाली है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत इस जगह को देख सकते हैं, जगह कितनी खूबसूरत जगह में नहीं है, क्योंकि यहाँ से सामने जो पांग वैली है वो सब चीज़ें दिखाई देती है। और अब धीरे धीरे हिमालय दिखने का भी टाइम आएगा, यानी कि आजकल तो फॉगी कंडीशन बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे बारिश का सीज़न आ रहा है ना, अब बारिश भी ज़्यादा होती जा रही है, तो उसकी वजह से वहाँ पर हिमालय अच्छा खासा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और मौसम तो देख ही सकते हैं मौसम कैसा है, हवाएँ चल रही हैं, काफ़ी तेज़ तेज़ हवाएँ चल रही है भाई, हवा की आवाज़ ही सुनाई दे रही होगी बस। तो अभी पांग की तरफ वीडियो अपलोड करने के लिए जा रखा था, फिर सीधा घर पे आया, अब पिनानी जाने वाले हैं बेसिकली ना। तो अभी मम्मी ने जस्ट चाय चुई पिलाई, अब बर्तन धो रही हैं। आसमान के भी हाल चाल कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, बदले बदले से हो गए, मतलब कि बारिश आने का टाइम फिर से हो गया है। आसमान गरज रहा है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, और लगता है कि फिर से बारिश आने वाली है काफ़ी तेज़, और पिनानी की तरफ में कुछ ज़्यादा ही तेज़ आती है। और ये रही हमारी, क्या कहते हैं, कौन सी दादी, खाजे वाली दादी, ये भूख गया है उसका। अरे दो बकरे ले रखे हैं आफत करने के लिए। आराम से बिना बकरों के बैठ बैठ के खा रहे थे। हाँ। और फिर करना पड़ना था, दिमाग घुमा और बकरे लेकर आ गए। करो करो। तो पिनानी वहाँ पर बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, जिस तरफ में बादल दिखाई दे रहा है ना, और काफी तेज बारिश होने वाली है आज। आज दरअसल सुबह से घर पे ही थे, थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, जैसा कि मैंने इनिशियल या स्टार्टिंग में बताया था। तो अपना काम कंप्लीट हो चुका है, अब और काम करते हैं। पिनानी गांव में पहुंच चुके हैं, और पिनानी गांव सामने से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, तो यहां से सामने देखते भी हैं। तो दरअसल ये गाँव थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ये कह सकते हैं कि 1/4 दिखाई दे रहा है। गाँव की बात करूँ ना, गाँव काफ़ी बड़ा है, 100 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं यहाँ पर। और ये काली घटाएँ देख सकते हैं किस तरीके से हो रखा है ना यहाँ पर, अपना गांव बिल्कुल वहां दिखाई दे रहा, अभी दिखाई भी नहीं दे रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो रखा है यार, अंधेरा होने की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा उस साइड में। और इस तरफ में भी ये वादियां, ये पहाड़ देख सकते हैं। जब हम पिनानी धार से यहां पर हम सिलेंडर लेकर आते थे या फिर सामान आता था कुछ भी ना, तो हम इस रास्ते यहाँ तक आते थे और यहाँ से ऊपर को जाते थे। और फिर जो ये स्कूल है ना, स्कूल के सामने से जो रास्ता जा रखा है, इस वाले रास्ते से नीचे उतरा करते थे बेसिकली, और उसके बाद फिर चरगाड़ होते हुए फिर जाते थे तिमलखाल पैदल। भाई मतलब क्या बोले। फिर पिनानी में जो मीटिंग होनी थी ना, जिनसे मिलने जाना था, उनसे मिल चुके हैं, और अभी के टाइम पर पांग की तरफ में आ रखे हैं। बारिश लगी है, कंटिन्यूसली बारिश लगी है भाई, और इस एरिया को देख सकते हैं धीरे धीरे ना बादल भी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे चल रहे हैं ना। और नीचे वाले जो खेत है ना, वो जो वहाँ पर प्लेन है, मतलब एरिया जो मासों और नैला है बेसिकली, तो वहाँ पर भी खेतों में अच्छी तरीके से पानी भर गया है, पानी भर के गया मतलब अच्छी तरीके से हो गया है। और अब अगर लोग चाहें तो खेती कर सकते हैं यार, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर लोगों का ये कंसर्न था ना कहीं कि यार बारिश नहीं हो रही है, इसकी वजह से नहीं हो रहा काम, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर हो गई हैं, मतलब कि लोगों के पास में कम से कम मतलब ये तो हो गया, एक जो कंसर्न था लोगों का कि खेत कैसे खोदेंगे, वो सब चीज़ें क्लियर हो गई ना, बारिश अच्छी खासी हो रही है यहाँ पे। अभी बारिश का मौसम देख सकते हैं, बारिश का सीज़न चल रहा है, उसी के साथ में ये सीढ़ीदार खेत बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं, और साथ ही साथ जो कोहरा था जो धुआं अटका था वो भी यहाँ से निकल चुका है। तो अभी ऐसा करते हैं कि पांग से चलते हैं, दरअसल ये बारिश तो ऐसी ही लगी रहेगी, और पिछले कुछ दिनों से रेगुलर 4 बजे बारिश शुरू हो जाती है और फिर शाम तक रहती है ना, जब तक अंधेरा होता है,
तो बारिश तो ऐसे ही रहने वाली है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से चलते हैं। थोड़ा बहुत मैंने टाइम लैप्स भी रिकॉर्ड किया, टाइम लैप्स अब पता नहीं कैसा आया, मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया बेसिकली ना, तो मोबाइल में उतनी अच्छी क्वालिटी आती नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाएंगे आपको। तो पांग से घर जाने का प्लान था लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया, तो अभी थापली गाँव में आ रखे हैं। और यहाँ पर नीचे को है थापली गाँव। दरअसल अपना जो काम था ना उसे कम्प्लीट करके आ चुके हैं, जिनसे मिलना था वो घर पर है नहीं, तो कल का फिर से प्लान करते हैं, फिर से आते हैं और अपना मीटिंग फिक्स करके, जो भी अपना मीटिंग कंप्लीट करके और अपना काम है जो उसे फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं ना। तो इधर को थापली है, ऊपर को पांग है, और नीचे को जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है वो मरखोला गांव है। और अभी ऊपर काफ़ी ऊपर चढ़ाई पे चढ़ना भाई। जब मैं पिनानी में पहुंचा ना आज, तो दरअसल ये था कि ये सोच के चल रहा था कि मीटिंग जितनी जल्दी ख़त्म हो सके, और उसके बाद मैं कुछ मैं ये प्लान करके चल रहा था कि आपको पिनानी गांव दिखाऊंगा, लेकिन टाइम की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी हो गई और उसकी वजह से फिर पांग की तरफ मैं आना पड़ा ना, और साथ में फिर बारिश भी लग गई थी, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा टाइम मतलब हो जाता है यार, ख़त्म हो ही जाता है। तो अभी कुछ काम पांग में करने के बाद में, कुछ थापली में आने के बाद में, अब चलते हैं यहाँ से वापस। कई बार चढ़ते जा रहे हैं, दरअसल बारिश होने के बाद में उमस सी हो रही है, पसीना आना शुरू हो गया यार, मतलब उमस बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है कहीं ना कहीं, और गर्मी की वजह से थोड़ा बहुत सांस भी फूल रही है। तो जहाँ पर आकर रुके हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत बीड़ू के पेड़ है, जैसे कि एक ये वाला हो गया, काफ़ी बड़ा है, आप इसे ये कह सकते हैं कि जंगली अंजीर यानी कि जंगली फिग कह सकते हैं इसे। तो जितना घूमना फिरना होना था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब घर पर आ चुके हैं, अब थोड़ा बहुत घर पर रुकेंगे यार। काफ़ी जगह घूम गए, पिनानी गए, पिनानी मीटिंग करे, उसके बाद में पांग गए, थापली गए, काफ़ी लोगों से बातचीत करी, और अभी तक कोई हल नहीं निकला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ, जब मैंने ये बताना ही नहीं है कि किस बारे में बात होनी थी। दरअसल हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किया है, डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊँगा, लेकिन अभी ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जो किसान लोग हैं उनके लिए कुछ एक प्रोजेक्ट है हमारा, रोजमेरी का और क्या कहते हैं टर्मरिक का प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हम उनको मार्केट भी दे रहे हैं और फ्री में अभी के टाइम पर हम बीज भी दे रहे हैं, मतलब कि फ्री में रोजमेरी, और रोजमेरी के साथ में 15 साल की कॉन्ट्रैक्ट की मार्केट, और साथ ही साथ जो हल्दी है हल्दी को भी हम फ्री में दे रहे हैं, और साथ ही साथ उसका बाय बैक का कॉन्ट्रैक्ट, तो वो चीज़ हम कर रहे हैं। मतलब हम ये चाहते हैं ना कि ये चीज़ें यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए, मतलब कि एक फैक्ट्री हम इसी एरिया में करने वाले हैं, इस्टेब्लिश करने वाले हैं ना, तो उसके लिए अभी ज़रूरी है कि फैक्ट्री इस्टेब्लिश होने से पहले कि रॉ मटेरियल होना, तो रॉ मटेरियल के लिए अभी इधर उधर कर रहे हैं, किसानों को कन्विंस करें कि करो भाई हम बैठे हैं, हम यहाँ पर मार्केट हैं आपकी, और धीरे धीरे जैसे जैसे किसान जुड़ते जाते हैं, वैसे हमारे साथ में 200 से ज़्यादा किसान हैं जो कि काम करने वाले हैं, और अभी हल्दी का तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूशन अब शुरू हो गया उसका, और रोजमेरी का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, रोजमेरी का पता ही है मेडिसिनल पौधा होता है बेसिकली ना, तो अबंडेंट लैंड है ही यहाँ पे, बंजर है ही, तो हम चाहते हैं कि लोग उसी लैंड पे करें, और कहीं ना कहीं उनको भी मतलब आगे 15-20 साल तक का हम मार्केट भी दे रहे हैं साथ ही साथ में, तो उसको हम खरीदते रहेंगे मतलब रेगुलर बेसिस पे ना, एक साल में 2-3-4 बार भी फसल निकल जाती है, कभी बार 5 बार भी निकल जाती है ना, तो वो सब चीज़ हम करने वाले हैं बेसिकली। आगे चल के मैं बताऊँगा कि किसके थ्रू हम ये काम कर रहे हैं, दरअसल उसमें मेरा भी और साथ ही साथ जो मेरे यहाँ पे मित्र आ रखे हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, तो उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पा रहे हैं, और हम काफ़ी टाइम पहले मिले थे, तो इसको अच्छे से किसी दिन डिटेल में बताऊंगा। और अभी के टाइम पर ये लगाओ कि हम यहाँ पे ना प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, सो दैट कि यहाँ का जो प्रोडक्ट है ना वो यहाँ से रॉ ना जाए, रॉ तो अभी होता ही नहीं है कि यहाँ से बिक सके, तो अभी ये है ना कि पहले मटेरियल बनाना, उसके बाद में उसको यहाँ पर प्रोसेस करके जो हमारी ब्रांडिंग है उसी ब्रांड के थ्रू आगे सेल करना, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और यहाँ पर जो लोग होंगे उनको रोज़गार भी मिलेगा, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट उगाएंगे रॉ मटेरियल होगा उसका उनको अच्छे से भुगतान भी मिल पाएगा ना, तो वो सब चीज़ें अभी हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आगे चल के ये है कि लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। तो अभी देखो कितना कर पाते हैं, अभी लगे हैं काम पे लगे हैं, इस एरिया को चुना भी इसीलिए अभी उसके लिए ना, तो किसी दिन मतलब डिटेल्ड वीडियो होगी, जो मैं सोच रहा हूँ एक बार इस काम से थोड़ा बहुत फ्री होके जैसे टाइम मिलता है तो आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। फिर से छुटको डॉन आ गया, फिर से ज़रा अपनी स्माइल दिखा,
ऐसे वाली दांत करने वाली ये देखो अच्छा ठीक है वीडियो एंड करते हैं ठीक है तो बोल क्या बोलना है कुछ बोलना है बोल वीडियो हेलो गाइस अब ऐसा करते हैं कि इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं होपफुली आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना जैसे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी।